किसी भी विभाग के में नौकरी लगाना हो, चाहे किसी विभाग का परीक्षा लीक कराना हो, चाहे कहीं भी कुछ भी करना हो। ये मामला तब आया है जब नीट की परीक्षा मामला तूर पकड़ा हुआ है। योगी द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनको सहयोग दिया जा रहा है। कड़ी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने घर से पैसे लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, मेन मौके पे जब उनकी एग्जाम का समय होता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। अब यही हाल रहेगा सरकार का, तो हम क्या करेंगे? इनके ऊपर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। नीट को लेकर बवाल जारी है। वाराणसी में छात्रों ने वेदी राम का पुतला फूंका है, जो भाजपा के सहयोगी दल सुभाषपा के विधायक हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। आप लोगों ने आज किसका पुतला फूंका और क्यों फूंका? जी, आज NSY साथियों के द्वारा जो जखनिया के विधायक है वेदी राम, उनका पुतला जला गया। साफ तौर पर कुछ दिन पहले उनका वीडियो वायरल हुआ था, उनमें साफ तौर पर बोल रहे हैं कि किसी भी विभाग की में नौकरी लगाना हो, चाहे किसी विभाग का परीक्षा लीक कराना हो, चाहे कहीं भी कुछ भी करना हो, मैं किसी भी स्तर पर गिर के लोगों की नौकरियां लगवा सकता हूं। ये मामला तब आया है जब नीट की परीक्षा मामला तूर पकड़ा हुआ है। नीट की परीक्षा लीक हुआ है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। एक साफ तौर पर दिखता है कि भाजपा जो सहयोगी दल है सुभाषपा, जिसके मुखिया ओम प्रकाश राजभर कहे जाते हैं, उन्हीं के नेतृत्व में भाजपा सरकार उनको आगे करके लगातार पेपर लीक करा रही है, जिसका मुख्य आरोपी वेदी राम है। अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। STF उनको उठाती है, पूछताछ करती है, पर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो सत्ता पक्ष के नेता हैं, अभी तक विधानसभा उनको निरस्त भी नहीं कराया गया है। तो भाजपा सरकार और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है, उन्हीं सब के मामलों को देखते हुए हम सभी साथियों ने मिलकर वेदी राम को पुतला जलाया और विरोध प्रदर्शन किया है। वेदी राम तो कह रहे हम अगर हमसे STF पूछताछ भी करेगी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो STF पूछताछ करे पहले उनसे ना, STF पूछताछ करें, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए ना। राजनीतिक संन्यास क्या, उनको तो अपना विधानसभा तुरंत छोड़ देना चाहिए, विधानसभा छोड़ दें। अभी हाल ही में 2 दिन पहले वो पकड़ाए हैं, 2 घंटे की पूछताछ फिर छूट के चले आए। साफ तौर पर दिखता है कि योगी द्वारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनको सहयोग दिया जा रहा है, उनको भाजपा के आड़ में भाजपा के पर्दे पर छुपाया जा रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौतम शर्मा। क्या कहेंगे, क्या मांगे हैं, किस लिए आप लोगों ने पुतला फूंका है? वेदी राम का जिस तरीके का वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने बोला कि मैं किसी भी विभाग का पेपर लीक करा सकता हूं, किसी भी तरीके का मैं पेपर लीक करा सकता हूं, नौकरी लगवा सकता हूं। तो नीट कितनी बड़ी धांधली हुई, कहीं ना कहीं उसमें भी इनकी हिस्सेदारी रही होगी, तो उन्होंने साफ साफ ऐसे कहा। तो मैं चाहता हूँ कि वेदी राम का विधानसभा निरस्त किया जाए और उनके पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। अच्छा, वो तो एकदम कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं कि अगर STF हमसे पूछताछ के लिए भी बुला लेगी तो मैं तो राजनीति छोड़ दूंगा। वो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, भाजपा के सहयोगी दल सुभाषपा के विधायक हैं, वो तो वो ऐसे कहेंगे, पर भाजपा इसमें भाजपा को इसमें कड़ी से कड़ी उनके पे कार्रवाई करनी है, छात्रों के भविष्य को देखते हुए। अच्छा, क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से ये नीट का पेपर का धांधली हो रहा है, ये युवाओं के साथ साथ बहुत बड़ा दुष्कर्म हो रहा है। युवा कड़ी मेहनत करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अपने घर से पैसे लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, मेन मौके पे जब उनकी एग्ज़ाम का समय होता है तो पेपर लीक कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने आज वेदी राम जी का पुतला फूंका है और हम लोगों ने सरकार से बोला है कि वेदी राम को जल्द से जल्द उनको पद से निष्कासित किया जाए और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी उनकी सज़ा दी जाए। उनको पेपर लीक का मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। नहीं, देखिए, पेपर की मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग खुलेआम चैलेंज दे रहे हैं कि हम किसी भी संस्था के पेपर को लीक करवा सकते हैं, किसी को भी नौकरी चाहेगी तो हम नौकरी दिलवा सकते हैं। वेदी राम तो कह रहे हैं वीडियो एडिटेड है। नहीं, वेदी राम देखिए विपक्ष की चाल वो बोल रहे हैं, लेकिन पक्ष में बैठ के वो ऐसा कर रहे हैं, अगर वीडियो कितना एडिटेड हो सकता है? जब आप बोले हैं तभी तो वीडियो आया है ना, नहीं तो और कोई तो वीडियो ऐसा आया नहीं है। बहुत से लोग, बहुत सा पेपर अथवा हुआ है, लीक हुआ है। जब उन्होंने ये बात बोले हैं, जैसे दो अभी कुछ दिन पहले उनके आवाज़ पे कुछ पत्रकार लोग पहुँचे थे उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, तो उस समय उन लोगों ने उस पत्रकार को भगा दिए, दरवाज़ा बंद कर दिए, उनसे बातचीत नहीं की। तो वेदी राम इसमें दोषी करार पाए गए हैं और वेदी राम हमेशा मीडिया से छुप रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोगों ने आज पुतला फूंका, क्यों फूंका है? सर देखिए, तो पहली बात ये जो इन्होंने काम किया है वो हम लोग जैसे युवाओं का मतलब मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, और जैसे कि हम युवा इतना मेहनत कर रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई करें और कुछ बनने, लेकिन अब ये ही हाल रहेगा सरकार का, तो हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? अब ये कह रहे हैं, जैसे आपने कह दिया कि वो कह रहे हैं कि हम अगर सरकार हमसे पूछताछ करेगी तो हम तो छोड़ देंगे। भाई, उतना पैसा कमा लिए होंगे ये सब बेच बाच के, तब छोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? इनको जल्द से जल्द देने की कोशिश करें। क्या मांग कर रहे हैं? कि इनको सजा मिले, इनको निष्कासित किया जाए। निष्कासित किया जाए, आप क्या कहेंगे? ये जो नीट वाला पेपर जो लीक हुआ है, तो छात्रों के साथ धराधर वो अन्याय हुआ है कि इन्होंने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बड़े बड़े संस्थाओं में जाके इन्होंने तैयारी की है। इतने सालों की तैयारी करने के बाद इन्हों को जब परिणाम ऐसा आएगा तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनके परिवार वालों पर क्या बीती होगी?
सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में कि इतनी जो ये पेपर एनटीए सबसे टफेस्ट क्वालिटी होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी मतलब आप पेपर देने जाएंगे तो होता है ना कि एक बोर्ड लेवल से भी एक्सट्रीम लेवल का होता है इसका सिक्योरिटी, उस जगह पे पेपर लीक हो रहा है तो एजुकेशन सिस्टम ख़राब हो चुका है। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि दोबारा पेपर हो छात्रों के जो अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो ये बेदी राम ने कहा इफ्तारी में कहा है कि पेपर मतलब किसी भी लेवल का पेपर हम लीक करवा सकते हैं, ये बात बहुत गलत कही उन्होंने। इस चीज़ पे सरकार को आवाज़ उठा, हम युवाओं, हम तो भाई महात्मा स्वयं यशवंत मेरा नाम है, मैं महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ के छात्र हूँ बीए फर्स्ट ईयर का। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनके ऊपर कार्रवाई कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनका जो जिस पद पे है उस पद से इन्हें निर्धारित करके निरस्त करना चाहिए, इन्हें इस पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि मतलब इनके पास तो कोई ना कोई मतलब लिंक है या सोर्स है, तभी ना वो ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम पेपर लिंक करवा सकते हैं, लीक करवा सकते हैं और किसी भी मतलब पद पे आपको हम नौकरी दिलवा सकते हैं। ये तो एक तरीके से घूसखोरी हो गया। लोग तो पहले आवाज़ ही उठाते थे कि सपा की सरकार के कांग्रेस सरकार में लोग घूस, मतलब आप मांग करते हैं कि उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए, गिरफ्तार नहीं होनी। हाँ एकदम होनी चाहिए, उस पर आवाज़ उठनी चाहिए और एसटीएफ के द्वारा इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, तमाम लोग यहाँ थे, युवा थे, उनकी मांग यही है कि बेदी राम के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जो विधानसभा की सदस्यता है वो रद्द होनी चाहिए और उनके खिलाफ प्रशासन सरकार उचित कार्रवाई करे। वाराणसी से श्रेष्ठ यूपी के लिए सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।